किसे मिलेगी तेल से लेकर रिटेल तक की जिम्मेदारी? तीनों बच्चों में अपने कारोबार को कैसे बांटेंगे मुकेश अंबानी? बेटी के बाद अब बेटे की बारी, देखिए कैसे है मुकेश अंबानी की तैयारी। याद होगा आपको, जब साल था 2002, धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद भारतीय कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा बुरा पारिवारिक विवाद सामने आया, जब दो भाई मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ गया था। लेकिन माँ ओकला बेन अंबानी ने दखल दिया, जिसके बाद विवाद जैसे तैसे सुलटा। लगता है कि उस विवाद से सबक लेते हुए दुनिया के सबसे रईस में से एक मुकेश अंबानी अब नई पीढ़ी को जिम्मा सौंपने का मन पक्का कर चुके हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश ना हो। तो सवाल ये कि तेल से लेकर रिटेल तक फैले विशाल कारोबार साम्राज्य के मालिक मुकेश अंबानी अब रिटायर हो रहे हैं, मगर सवाल ये कि किस तरह से अपने साम्राज्य को वो अपने परिवार में बांटते हैं और किसे क्या जिम्मेदारी दी जाती है, इसके लिए पूरी योजना तैयार हो चुकी है। ये तो दुनिया जानती है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक मुकेश अंबानी 20 साल से भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की कमान खुद संभाले हुए हैं। मगर एक बड़ी खबर आई, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने मंगलवार को शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट को बताया कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कंपनी ने इसके साथ ही आकाश अंबानी को बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की। आकाश अंबानी रोवन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक आकाश अंबानी से पहले उनके पिता मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के चेयरमैन के नाते काम देखा करते थे। मुकेश अंबानी के चेयरमैन पद से इस्तीफे और आकाश अंबानी की नियुक्ति को नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मुकेश अंबानी अभी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के चेयरमैन बने रहेंगे। वैसे भी साल 2002 में पिता धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद से ही भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घरानों में से एक रिलायंस ग्रुप की कमान मुकेश अंबानी के हाथों में ही आई थी। मुकेश अंबानी की अगुवाई में रिलायंस इंडस्ट्री ने कई उपलब्धियां हासिल की, रिटेल टेलीकॉम जैसे सेक्टरों में अच्छी खासी पैठ बना ली। खैर, वक्त का पहिया घूमता है, अब मुकेश अंबानी की उम्र 65 साल हो चुकी है, अब तीनों बच्चों के बीच रिलायंस इंडस्ट्री के कारोबार के साम्राज्य को बांटने की बारी आ चुकी है। जानिए तीनों बच्चों में से किस किस को क्या मिलेगा। आकाश अंबानी को डिजिटल वर्टिकल सौंपे जाने की शुरुआत हो चुकी है। ईशा अंबानी को रिटेल वर्टिकल सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस तरह से अनंत अंबानी के लिए बचता है अब पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और ग्रीन एनर्जी वाला वर्टिकल उनको दिया जा सकता है। हालांकि जमीन पर क्या प्लान उतरेगा और क्या अमल होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यानी कि दुनिया के सबसे रईस बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी अब अपने साम्राज्य को बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।